जुआ खेलने वालों पर अंबाला पुलिस की देर रात बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि पुलिस ने देर रात रेड कर जुआ खेल रहे 21 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और मौके से लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की। किस तरह से पुलिस ने इन जुआरियों पर शिकंजा कसा वो दिखाते हैं आपको। अंबाला में जुआ खेलने वालों पर पुलिस की देर रात बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि पुलिस ने देर रात अंबाला के फ्लाईओवर के पास एक घर में रेड की, जहां पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेल रहे लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और उनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद की। देर रात पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंची और सभी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मच्छी मार्केट में काफी लोग जुआ खेल रहे हैं और उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और 21 लोगों को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पकड़ा और उनके पास से 1.5 लाख रुपए के करीब नकदी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कोई कुछ लोग वहाँ जुआ खेल रहे हैं, तो सूचना को हमने सही मानकर उसी समय अपना समय व्यर्थ ना करते हुए जैसे हमने रेड की, तो मौके से हमने 21 लोगों को गिरफ्तार किया था और 1,59,400 कुछ रुपये हमने बरामद किए हैं, तो अभी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो हमारी जो 12 क्रॉस रोड के पास ओल्ड मच्छी मार्केट है, उसमें ये लोग खेल रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी है, अभी कार्रवाई चल भी रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जाँच शुरू कर दी है और पकड़े गए आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम सीपैप और बाईपैप मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आए और दिए गए नंबर 9315348686 पर संपर्क करें।